Okay, so good morning. How are you everyone? My name is Vinod Kohli. मैं आज फिर से आप लोगों के लिए टॉपिक लेके आऊँगी ट्रांसप्लांट के कितने दिनों के बाद आप लोग वर्कआउट स्टार्ट कर सकते हैं। मैं जो भी आपके आपके साथ शेयर करता हूँ वो अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, सो मुझको बिल्कुल फॉलो मत कीजिए, अपने डॉक्टर को फॉलो कीजिए। ओके, एंड ट्रांसप्लांट के बाद हम कब से जिम स्टार्ट कर सकते हैं? ट्रांसप्लांट के बाद सबसे पहले हमारा फोकस होना चाहिए कि हमने किडनी को इन्फेक्शन होने से बचाना है और जल्दी से जल्दी रिकवर होना है। सो वो किस तरह होगा? जैसे हमारी सर्जरी होती है, सर्जरी के बाद हमें ऐसा नहीं कि बैठे रहना है बिस्तर में, या मतलब बैठे नहीं रहना है हमें बिल्कुल भी। हमने चलने की कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा चलने की। वो आपको हेल्प करेगा रिकवर होने में, जल्दी रिकवर होने में। जो हमको स्टिचेस लगे होते हैं उनको, मतलब जख्म को जल्दी भरने में वो हेल्प करेगा। हमको वाटर इनटेक अच्छा रखना है, इन्फेक्शन होने से बचना है, तो ये हमारा पहला फोकस होना चाहिए। ओके, सो पॉइंट में आता हूँ कि ट्रांसप्लांट के कितने दिनों के बाद आप वर्कआउट स्टार्ट कर सकते हो। ट्रांसप्लांट के बाद मेरे आगे से आपको 7 से 8 महीने के बाद आपको कंटिन्यू आपको स्ट्रेंथ एक्सरसाइज करनी चाहिए। जैसे पुशअप हो गया, पुलअप हो गया, साइकिलिंग हो गया, जॉगिंग हो गया, स्क्वाट्स हो गए। तो ये स्टार्टिंग के फ्यू मंथ करना होगा, बट स्टार्टिंग के जो फ्यू मंथ्स आप करोगे वो ऐसा नहीं कि आपने बहुत मतलब कि करवा बहुत बॉडी को डिहाइड्रेट कर लिया, मतलब कि बहुत थकावट ले लिया, ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना है। आपने कोशिश स्टार्टिंग में धीरे धीरे अपना स्ट्रेंथ लेवल इंक्रीज करते रहो। आज अगर 5 मार रहे हो तो कल 6 मारो, फिर 7, 8, 9, ऐसे को स्ट्रेंथ बढ़ानी है अपनी बॉडी को। ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है। सो अब हम कहते हैं कि जिम कब से स्टार्ट कर सकते हैं हम, क्योंकि हॉनेस्ट विद यू मैंने जो जिम स्टार्ट किया था 1.5 साल के बाद जिम स्टार्ट किया था, और मैंने लाइट वेट से स्टार्ट किया था। और मैं वाटर जिम के टाइम भी आपने वाटर इनटेक लेना है, बॉडी को डिहाइड्रेट नहीं करना। मेरे एक्सपीरियंस है, मैं जो करता था मैं जिम के टाइम भी पानी पीता था, जिम जाने से पहले एक घंटा पानी पीता था। और अगर आप जिम ज्वाइन कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप 15 दिनों के बाद अपना ब्लड सैंपल चेक कराते रहे। आप देखो कोई इसमें हेरा फेरी तो नहीं हो रही, अप एंड डाउन रेटिना TLC हमारे जो भी है उनमें तो प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। अगर ऐसा कुछ भी आ रहा है तो प्लीज़ उसको स्टॉप कर दो, वर्कआउट थोड़ी देर दिनों के रोक दो। सो आपको कंटिन्यू स्टार्टिंग के फ्यू मंथ आपको 15-20 मिनट डस्ट करवाना होगा, और स्टार्टिंग के फ्यू मंथ आपको लाइट वेट उठाओ। अगर जिम कर रहे हो 2 किलो 3 किलो ऐसे वेट से स्टार्ट करो, बाद में आप वेट जितना मर्जी उठा सकते हो। मैं अभी जो मैं जितना वेट उठाता हूँ, मैं चेस्ट को हम बेंच प्रेस लेते हैं, बेंच प्रेस में करीबन मैं 50 किलो उठा लेता हूँ, और बाइसेप में मैं 25 किलो उठा लेता हूँ। सो से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, बट हाँ उस वेट को तब उठाओ जब आपके अंदर अपनी स्ट्रेंथ है उठाने की। ठीक है, सो ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन।